अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजुकेशनल ग्लोब। एक बार फिर आपके साथ हाजिर है सर से मेरा रमज़ान एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमें PhD और JST में अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी डिग्रीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त हैं वो सवाल कर रहे हैं कि सर, हमारे पास जो है मार्कशीट नहीं है इंटरमीडिएट की, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? हमारे पास जो है इंटरमीडिएट की जो है मार्कशीट अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास डिग्री अवेलेबल नहीं है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? हमारे पास जो है बैचलर डिग्री जो है वो अवेलेबल है, लेकिन उसकी मार्कशीट अवेलेबल नहीं है, क्या हम एलिजिबल हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो इन सारे सवालात के जो जवाबात हैं वो इस वीडियो में मौजूद हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आप जो है वीडियो कम्प्लीट देखें, ताकि आपके जो सारे सवालात हैं उनके जवाबात आपको मिल सकें। क्योंकि मैं ऑलरेडी जवाबात दे चुका होता हूँ, लेकिन फिर भी आप वो जो है सेम ही सवाल करते हैं, क्योंकि आप वीडियो कंप्लीट नहीं देखते, इसलिए आपको जो है वो जवाबात नहीं मिल पाते। तो चलिए अब हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं, STS की वेबसाइट पे चलते हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, और सबसे पहले कौन सी चीज़ अपलोड करनी है, सीरीज़ कैसे बनानी है। तो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम जो है स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं, और सबसे पहले जो है हमें ब्राउज़र ओपन करना है। कोई सा भी ब्राउज़र आप ओपन करें, गूगल क्रोम करें, इंटरनेट एक्सप्लोरर करें, या फिर मोजिला फायरफॉक्स, आप ब्राउज़र ओपन करेंगे। उसके बाद जो है आप STS वालों की जो है वो वेबसाइट ओपन करेंगे। वेबसाइट STS वालों की वेबसाइट की एड्रेस है apply.sts.net.pk। तो आप ये वाली एड्रेस जो है यहाँ पे टाइप करेंगे। मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ कि इनकी वेबसाइट कौन सी है। ये वाली वेबसाइट है ऊपर पर जो लिखी हुई है। उसके बाद जो है आप इंटर करेंगे तो आपकी वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। जैसे ही आपकी वेबसाइट ओपन होगी, तो सबसे पहले जो है आपने जो अपना अकाउंट बनाया था, ऊपर ऊपर आप अपना CNC नंबर लिखेंगे, और उसके बाद जो है नीचे आप अपना पासवर्ड लिखेंगे। मेरा यहाँ पे पासवर्ड ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पासवर्ड सेव कर दिया है। तो उसके बाद जो है आप लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आप अपने अकाउंट में जो है वो लॉगिन हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है उसमें हम सीखेंगे कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की नीड पड़ेगी। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले अपने प्रोफाइल में जाना होगा। माय प्रोफाइल में यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये अब जो है बफरिंग होके लोड होकर आ जाएगा, और इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे कुछ हमें इंस्ट्रक्शन दिखा रहा है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपके साथ इंस्ट्रक्शन शेयर कर दिए हैं। हमें सिर्फ इस वीडियो में ये पता करना है कि भाई हमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने होंगे। तो नीचे आएंगे, सबसे पहले राइट साइड पे ये देखें, हमारा जो है सबसे पहले हमें पासपोर्ट साइज इमेज अपलोड करना होगा, जिसका बैकग्राउंड जो हो वो वाइट कलर का हो या फिर ब्लू कलर का हो, इन दोनों में से कोई भी एक कलर हो वो वाला आपको अपलोड करना है। उसके बाद जो है हमें CNIC की फ्रंट साइड यहाँ पे अपलोड करनी है। यहाँ पे देखें अपलोड का ऑप्शन है, और CNIC की फ्रंट साइड जो है वो वाली यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, ये मैं आपको जूम करके बताता चलता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जो है हमें ऊपर जो है पासपोर्ट साइज तस्वीर अपलोड करनी है, उसके बाद नीचे जो है हमारी CNIC का जो है फ्रंट साइड वो वाली अपलोड करनी है। उसके बाद जो है नीचे आपको CNIC की बैक साइड जो है वो वाली अपलोड करनी है, और उसके बाद जो है हमें डोमिसाइल अपलोड करना है। ठीक है, डोमिसाइल जो आपका सर्टिफिकेट है वो वाला अपलोड करना है यहाँ पे। और उसके बाद जो है PRCD, यानी कि डोमिसाइल में जो फॉर्म डी होता है आपको वो वाला अपलोड करना है यहाँ पे, फॉर्म सी अपलोड नहीं करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है आपको मेट्रिकुलेशन की डिग्री अपलोड करनी है। ठीक है, मेट्रिकुलेशन की डिग्री यानी कि मेट्रिकुलेशन का पक्का सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद जो है लास्ट में आपको ग्रेजुएशन वाली डिग्री यहाँ पे अपलोड करनी है, यानी कि ग्रेजुएशन का जो है पास सर्टिफिकेट जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मिलता है वो वाला यहाँ पे आपको अपलोड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाले डॉक्यूमेंट्स हमें जो है अपलोड करने हैं। ये वाले डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर देंगे, उसके बाद जो है आप नीचे लास्ट वाले सेक्शन में आएंगे। लास्ट वाले सेक्शन में नीचे आएंगे, ये वाला सेक्शन एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, ये वाला सेक्शन। ठीक है, जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा सेक्शन है ये, भाई एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, इसमें आएंगे। ठीक है, इसमें आप नीचे नीचे आएंगे तो लास्ट में लिखा हुआ होगा एडिट सेक्शन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एडिट सेक्शन, तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो इसमें हमें जो है कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट की स्कैन की हुई कॉपीज जो है वो अटैच करनी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेट्रिकुलेशन। ठीक है, 10 ईयर्स मेट्रिकुलेशन में हमें
कौन सी चीज़ अपलोड करनी है। मेट्रिकुलेशन में हमें जो है यहाँ पे देखें, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। मेट्रिकुलेशन में हमें अटैच मेट्रिकुलेशन ट्रांसक्रिप्ट और फाइनल मार्कशीट, यहाँ पे आपको मेट्रिकुलेशन की जो है वो मार्कशीट अपलोड करनी है, ठीक है। यानी कि ओरिजिनल स्कैन की हुई और कलर्ड कॉपी जो है अपलोड करनी है, जैसे कि मैंने की है अपनी, यहाँ पे देखें कलर्ड कॉपी अपलोड की है मैंने, ठीक है। उसके बाद जो है नीचे आपको ये वाला जो है इंटरमीडिएट, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट पे भी जो है आपको अटैच करनी है इंटरमीडिएट की ट्रांसक्रिप्ट या फिर फाइनल मार्कशीट, ठीक है। इसमें आपको जो है इंटरमीडिएट की मार्कशीट अपलोड करनी है और वो भी आपकी कलर्ड कॉपी है हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दी है, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट में तो इसमें जो है लास्ट में आपको जो है बैचलर्स की मार्कशीट अपलोड करनी है या फिर ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे अपलोड करनी है। अगर आपने यूनिवर्सिटी की साइट से डिग्री की है तो आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होगी, और अगर आपने कॉलेज साइट से की है तो आपके पास जो होगी मार्कशीट होगी। तो यहाँ पे ये देखें मार्कशीट की मैंने जो है कलर्ड कॉपी स्कैन की हुई अपलोड की है, आपको भी ऐसे ही मार्कशीट की कलर्ड कॉपी जो है स्कैन की हुई अपलोड करनी है। तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स जो है हमें, इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, हमें जो है बीएड की भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी और हमें एमएड की भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास ये जो ऑप्शन है, उसके बाद जो है आप यहाँ पे इसको सेव और अपडेट कर देंगे। सारी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद मैंने जो है आपको फॉर्म फिल करना भी बता दिया है, और वो वीडियो जो है मेरे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपको फॉर्म फिल करना नहीं आता तो आप उससे सीख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की हमारी थी ये वीडियो, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आपके पास जो है मज़ीद अपडेट्स आ सकें। और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।